आरआरबी एमटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्र पटना के सड़कों पर उतरे थे। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। हंगामा खूब बरपा था। उसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, जिसमें से चार छात्र गिरफ्तार हुए। चार छात्रों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने पटना के कई शिक्षकों का नाम लिया, और अब पुलिस ने उन शिक्षकों को सम्मन भेजा था, जिसमें पटना के खान सर, जो इस पूरे घटनाक्रम के मेन सूत्रधार पुलिस के द्वारा बताए जा रहे थे, वो कल देर रात यानी बुधवार की देर रात पटना के पत्रकार नगर थाना में पहुंचे। पटना के पत्रकार नगर थाना पहुंचे और वहां पहुंचकर अपनी सफाई उन्होंने दी। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सभी शिक्षक जो आरोपी हैं उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष आकर रखें और बताएं कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उस वक्त शिक्षकों की भूमिका क्या थी, क्योंकि खान सर सहित कई शिक्षकों के ऊपर यह आरोप लगा था कि एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्रों को उकसाया गया था और ये काम शिक्षकों ने किया था सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो डालकर। उसके बाद उसी वीडियो का आधार बनाते हुए जिला प्रशासन ने खान सर सहित कई शिक्षकों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए थे। पहले गिरफ्तारी की बात हुई, लेकिन शिक्षक संघ और छात्रों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया कि जब शिक्षक आकर अपनी बात रखेंगे, सफाई देंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट गड़बड़ी मामले में पूरे देश भर में छात्रों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, उसके बाद पुलिस का रौद्र रूप देखने को मिला था। पटना हो या फिर प्रयागराज, हर जगह छात्रों के ऊपर जम के पुलिस की पिटाई हुई और यह मामला इतना तूल पकड़ा कि भारत सरकार के तरफ से सफाई देनी पड़ी। रेल मंत्रालय खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और भारत सरकार के रेल मंत्री छात्रों से बात करने के लिए वो सामने आए। मीडिया में उन्होंने अपना बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों को जल्द से जल्द उनकी समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने साफ कहा था कि जो रेल के जो बोर्ड है, स्पेशल बोर्ड का गठन किया गया था, जो इस पूरे मामले की निगरानी करके जांच करके रिपोर्ट देगी कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, और उसके बाद छात्रों का आक्रोश कम हुआ। पटना में बिहार बंद तक बुलाया गया, तमाम राजनीतिक दल के लोग इसमें कूद पड़े, लेकिन खान सर ने छात्रों को यह समझा दिया कि सरकार उनकी बात मान रही है। ऐसे में खान सर जिस तरीके से सरकार के पक्ष में पॉजिटिव बोल रहे थे, इसी का फायदा खान सर को मिला कि अब उन्हें पत्रकार नगर थाना में जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्हें कई सारी हिदायतें दी गई है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में खान सर से पूछा है कि आखिर यह वीडियो कैसे वायरल हो गया, कैसे छात्र सड़क पर उतर गए, और घंटों पूछताछ के बाद अब यह बताया जा रहा है कि खान सर को हिदायत दी गई है कि वो बिना पुलिस के जानकारी के पटना से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी एक तरफ कह सकते हैं कि खान सर की जो मुसीबत है वो बढ़ी हुई है। एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए पुलिस ने जो नोटिस उनको भेजा था, उस नोटिस पर खान सर पत्रकार थाना पहुंचे तो अपनी सफाई भी दी। इस एवज में पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने सीधे तौर पे खान सर से एक नोटिस जो उनको भेजा गया था उनसे सिग्नेचर कराई गई और हिदायत दी गई है। कहा गया कि इस तरीके से छात्रों को भड़काने वाला बयान अगर दोबारा सामने आया तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया और जिस तरीके से छात्रों ने पूरे बिहार में रेलवे ट्रैक को जाम कर हंगामा किया, आगजनी की, इस पूरे मामले पर खान सर सहित अन्य जो शिक्षक है उनसे पूछताछ भी जारी रहेगी। हालांकि शुरुआती पूछताछ के बाद खान सर थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिसिया कार्रवाई जारी है।